इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के मार्क्स आज जारी हो जाएंगे। जारी होने के बाद आपको कैसे चेक करने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हुआ है, इसके भी आज मार्क्स जारी हो जाएंगे और किन किन भर्तियों के आज मार्क्स देखने को मिलेंगे इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और क्या आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के जो 2 गुना की लिस्ट है उसमें नाम आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया है कि अब तक के सभी एग्जाम के मार्क्स यानी आपका इंडिविजुअल स्कोर आज अपलोड कराएंगे, आईए का स्कोर बाद में। यानी कि इनका कहना है कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए हैं जिनमें से 5 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा थोड़ी देर बाद, और जैसे ही परिणाम जारी होगा उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, उसे कैसे यूज करना है, सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का जो स्कोर कार्ड है वो आपको आज देखने को नहीं मिलेगा, और संगणक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी अभी आना है जो कि 5 जुलाई को आएगा। जो 5 एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं जैसे कि आपका ANM का हुआ है, ANM GNM का तो स्कोर कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, CH हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ है, इन सब के मार्क्स आज आपको देखने को मिलेंगे। और आने के बाद आपको किस तरह से देखने को मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करने हैं इसके बारे में आगे चर्चा करता हूं। इसलिए अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बताता हूँ आपको अपने मार्क्स किस तरह से देखने हैं। तो मार्क्स देखने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा RSMSSB रिजल्ट। जब आप सर्च करोगे RSMSSB रिजल्ट तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो रिजल्ट का पोर्शन लिखा होगा, आगे RSMSSB लिखा होगा, लेकिन इस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना होगा। आपको करना होगा जब वापस से आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो गेट रिजल्ट कोष्टक में 110 राजस्थान ये लिंक होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। वैसे इस लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी आप डायरेक्ट इस लिंक पर पहुंच जाओगे। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, और ये लिंक आपको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या गेट रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। गेट रिजल्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट एग्जाम टाइप। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन होगा प्री मेंस, तो आपको क्लिक करना होगा प्रीपे। प्रीपे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर। अब बहुत स्टूडेंट होंगे जिनका एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया या फिर उनके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो वो कैसे चेक करेंगे, तो आप अपनी SSO ID पर जाकर एप्लीकेशन नंबर चेक कर सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या गूगल पर सर्च करना होगा SSO ID। जब आप सर्च करोगे SSO ID तो आपके सामने कुछ इस तरह से राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने SSO ID कुछ इस तरह से शो होगी, जिसमें सबसे पहले आपको लिखनी होगी आपकी SSO ID, उसके बाद आपको लिखना होगा पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ आपको लिखना होगा कैप्चा। कैप्चा वही लिखना जो कोष्टक में जैसे यहाँ 249423 लिखा हुआ है, अगर गलत लिखा तो एरर आ जाएगी, लॉगिन नहीं होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है और आपकी SSO ID लॉगिन हो जाएगी। अगर आप अपनी SSO ID भूल गए या उसके पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हेयर का जो पोर्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके पासवर्ड भी ले सकते हो और SSO ID भी ले सकते हो। जैसे ही SSO ID आपकी लॉगिन होगी, लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पोर्शन आएगा। सबसे पहले पार्ट आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो फिर से आपका नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा जिसमें आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, टॉप पे जब माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी आज तक आपने फॉर्म फिल किए वो सभी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको कौन सी परीक्षा का देखना है, जूनियर अकाउंटेंट का देखना है, एप्लीकेशन नंबर या CHO का देखना है, ANM का देखना है, GNM का देखना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो भी आपका एग्जाम है उसके सामने आपको पेज को साइड करना है। जब साइड करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको इन पर क्लिक कर देना और आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी कर देना है। वहाँ से कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो ये रिजल्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर है वो पेस्ट कर देना है। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी,
डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको डे मंथ ईयर तीनों लिखने होंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ लिखोगे आपके सामने फिर आएगा कैप्चा कोड, जैसे कि यहाँ 379757 है, जो आपके नंबर लिखे हुए हैं आपको वही लिखने हैं। गलत लिखने पर आपके एरर आ जाएगी और उसके बाद आपको गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट रिजल्ट पर क्लिक करोगे आपकी जो भी परीक्षा का आप स्कोर कार्ड चेक करें इस तरह से ओपन होगा। जैसे कि यहाँ मैंने उदाहरण के थ्रू ANM का बताया है, तो आपके भी इस तरह से जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम का नाम लिखा होगा, चाहे फिर वो जूनियर अकाउंटेंट हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, ANM हो, GNM हो या फिर CHO हो। उसके बाद आपका नाम लिखा होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर आपकी पोस्ट का नाम लिखा होगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो लिखा होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, मैरिटल स्टेटस लिखा होगा, यहाँ आपके रोल नंबर शो होंगे, इसके नीचे एप्लीकेशन ID लिखी होगी, उसके नीचे PH कैटेगरी लिखी होगी, आपका जेंडर कौन सा वो लिखा होगा, सब्जेक्ट के पास मार्क्स लिखे होंगे और नीचे रिटन एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए वो आपके लिखे होंगे। तो इस तरह से आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको मार्क्स का लिंक भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो आप अपना स्कोर कार्ड आने के बाद।